डॉक्टर साहब, ये जो आप ने जो सफदरजंग साहब ने आपको वजीफा कहूँ या क्या कहूँ इसको, दुआ रहमान का दुआ तरीका इलाज, ये जो तरीका इलाज है ये है क्या? इसे किसी भी मर्ज के लिए कोई भी इंसान जो बालिग है, बच्चे नहीं, बच्चे मासूम होते हैं वलियों की तरह, जो कोई भी बालिग इंसान जो है उसे कोई भी बीमारी है, ज़हनी है, जिस्मानी है, मुआशी है, मुआशरती है, समाजी है, सियासी है, वो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान, ये बाबा जी ने बताया था कि कारी बासित की आवाज़ जी में, ये उनका इंसिस्टेंस थी इस बात पे। उन्होंने वैसे मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनवाया, लेकिन उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स कारी बासित की आवाज़ में मिले। आवाज़ की एक खास फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आशिक की आवाज़, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, सारे मुसलमानों से पूछ लें, सैयदना बिलाल का सबको नाम आता है, बाकी 3 का सिर्फ उलमा किताब से पढ़ के आता है, किताब से पढ़ेंगे, बिल्कुल। ये नहीं है कि वो भी आशिक नहीं थे, लेकिन बहरहाल जिसकी अल्लाह को अदाब लेवल और है, बस लेवल और है, हालांकि वो तोतले भी हैं, वो अरबी भी नहीं है, अजमी है। इसी तरह कारी बासित साहब की भी अल्लाह ने कोई इजाज़ ऐसा रखा होगा, हमें रिजल्ट इसमें बेस्ट मिले, आप जिसमें भी सुनना चाहें सुन, स्टैटिस्टिक्स ये बताती है, ये स्टैटिस्टिक्स बताती है। और कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके सुबह, दोपहर, शाम पास आधा गिलास पानी रख लें, जितना आप पी सकते हैं, अगर मरीज बेहोश है फिर आप रहने दें, पानी वो नहीं पी सकता, ठीक, लेकिन उसके पास फिर भी लगा दें, जो गूंगा है उसके पास भी लगा दें, जो गूंगा है उसके पास भी लगा दें, ये उसकी रेडिएशन जो है, वाइब्रेशन जो है, वो उसकी बॉडी को हिट करेगी, शिफा देगी उसको, वो पेश हो गया हुआ है, वो तो पहले पेश हुआ पड़ा, ठीक है, तो कौमे वाले के पास भी लगा दें, ठीक है। तो इसको सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, नहीं, जो टाइम मिल जाए, दिन में 3 टाइम, जैसे रमजान में सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, तो सोते वक्त सुन लें, ठीक है। और अगर किसी दिन में 3 बार ना, 3 डोजे ना भी ले सके, तो कम से कम 1 बार जरूर सुनियो, चाहे 2 आयतें। बेहतरीन वक्त कौन सा? मकसद यही है कि वो पेश हो जाए, पेश हो, जब वो पेश हो सकता है उसको, वो 15-20 मिनट की किरात है, 18, ठीक है जी, 18 मिनट भी लगते हैं, कुछ कहीं वो तेज कैसेट वगैरह का टाइम डिफरेंस है। ये दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से फ्री ऐप है, वो डाउनलोड हो जाती है, उसमें ये सूरह बगैर एड्स के है, क्योंकि यूट्यूब पे वो एड्स बहुत है, ठीक है, तो वो इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए तलावत के बगैर, इसीलिए कि आपका ध्यान लफ्जों की तरफ ना चला जाए, ठीक है, आपका ध्यान सूरह रहमान वाले की तरफ हो, असल चीज शिफा जिसने देनी है, आप उसके आगे पेश तो हो ना, जिसकी वो है उसकी तरफ, जिस तरह आयतुल कुर्सी हम पढ़ते रहते हैं, मैंने कहा था आयतुल कुर्सी कुछ नहीं करती, कुर्सी वाला करता है, हिंट, आयत का मतलब है हिंट, और सूरह रहमान भी स्टार्ट में ही है अल रहमान, और बात खत्म हो गई है, तो इसमें यानी सिर्फ अल रहमान और फुल स्टॉप आ गया, तो उसमें अलिफ लाम रा हा मीम नून, 6 के 6 हरूफ मकत्तात हैं, मुकत्तात, और 6 मिलके 7वां इशारा बन रहा है अल रहमान, तो कुछ कह रहा है बार बार, शुरू यहां से कर रहा है बिस्मिल्लाह अर रहमान, पहला तारुफ, यार तू कर गुना, मैं रहमान हूँ, बस तू आ जा मेरे पास, तो आप जाएं तो सही ना, वापस उसके पास पेशी तो करें, बेबी की तरह पेश हो, छोटा बच्चा नहीं, पैंपर भी गंदा करके मामा के पास आ जाता है, या ईद वाले दिन हम गिर गिरा के उसी वक्त वापस पहुंच जाते थे, तो वो मामा ने डांटना जो भी है, लेकिन साथ ही फौरन नहला धुला के नए बैठ के लेट के खड़े मर्जी हाली में, आपका वजू भी नहीं है ना, जैसे वॉशरूम में भी आप बैठे अजान तो सुन रहे होते, सुन रहे होते, आईसीयू में हमारा मरीज पेशाब की नाली लगी हुई है, पैंपर लगा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है ना, लेकिन सुनाए, बस उसके पास लगा दें, ठीक है, पढ़ने के लिए तो वजू लाजमी है, जुबान पाक हो, सुनना है, ठीक है, और कुरान का हुक्म है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जा और गौर से सुन, ताकि तुझ पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा, और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में उसको पुकार ऊंची आवाज में, तो उसको सुने और फिर पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें, और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस 3 बार अल्लाह कह, या अल्लाह नहीं, नहीं अल्लाह, या फिर दूर हो जाएगा, दूर अल्लाह आपके अंदर ही है, क्या अल्लाह बात है, अल्लाह वो दुई में चली जाएगी, दुई में चली जाएगी अल्लाह, तो अल्लाह 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 कहें, आंखें बंद रखें और 3 सांस में पानी भी पी जाए, पानी आपके जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, बस ये कर लें अगर हो सके, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, कई लोग 7 दिन सुन लेते हैं, कहते मैं नहीं ठीक हुआ, मैं कहता आपने लगता किसी को माफ नहीं किया, कहते हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं हो, ये नहीं हो सकता, मैं कह ये कर दें अल्लाह की खातिर करें, आप अल्लाह पे एहसान करें ना, आप उसको बेस्ट सदका दे दें, उसकी मखलूक माफ कर दें, जिसको अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि अगर फिरौन भी प्यार कर रहा है तो फिरौन को भी मोहलत दे रहा है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है उससे इल्तफात से बात, जिस तरह माँ नहीं कहती अब्बा जी को गुस्से में जब आए वो कि नहीं नहीं आप उससे आप आराम से कहिएगा, देखें मैं इसकी टांगे तोड़ूंगी, कोई नहीं तोड़ती छोड़ती, कोई नहीं तोड़ती, मैं इसको आग में फेंक दूंगी, कहाँ आज तक किसी माँ को मैंने नहीं देखा को भी तवे में बिठाया हो, कहती है, लेकिन वो तो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। इसी तरह आयतुल कुर्सी में कहता हूँ यार, आयतुल कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी वाले के फर्ज कीजिए कि कोई बीमार नहीं है जी, कोई नॉर्मल लाइफ, वो 1 बार रोज की 7 दिन सिर्फ सुन ले,
सात दिन एक बार रोज की सुन अच्छा, ले, अगर वो 8 दिन सुन ले, 10 दिन सुन ले, वो ओवरडोज हो जाएगा, कई बार ओवरडोज हुए होते, वक्फा दे के सुन ले, एक दिन छोड़ के फिर एक हफ्ता सुन ले मैक्सिमम, बहुत है। उसके बाद सुनवाए ना, उसके बाद वो सूरह रहमान पे प्रैक्टिकल शुरू करे ना, वो खुद रहीम बन जाए ना, अब वो मखलूक खुदा से बेगरज किस्म की दुआई बांटना शुरू कर दे, ये अल्लाह का जिक्र है, लोगों को बबताना शुरू कर दे, ठीक है। वो 3 बार अल्लाह पानी, और जो नहीं भी सुन सकते, अगर बलोचिस्तान के गांव में बिजली ही नहीं है, ठीक है, या हमारे साउथ पंजाब में, सिंध के अंदर लोग कोई तरीका नहीं, इंसान एक गड़े में से ही सारे पानी पी रहे हैं, वही नहा रहे हैं, वहां पे वो 3 बार अल्लाह कह के पानी पी रहे, उससे भी इसका शॉर्टकट है उनके अंदर से जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिसके पास फोन है वो आज वो तो सुन हर जगह पर है, वो बिल्कुल सुन सकता है, फोन में सुन सकता है। इसका तरीका ये है कि सूरह रहमान वो कारी बासित की आवाज में आप डाउनलोड करें, ऐप भी है, ऐप का नाम क्या है, दी अल्टीमेट रेमेडी द अल्टीमेट रेमेडी डाउनलोड करें, सूरह रहमान आपने लगानी है। और मेरा अंदाजा ये है कि आप तन्हाई में जब हों, और अगर हो सके तो अंधेरा हो कमरे में, ताकि आपकी कोई और अटेंशन ना हो, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। और ये सुनना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, और बहुत 18 मिनट मेरे ख्याल में हमेशा एवरेज लगते हैं। अगर 18 मिनट यूँ गुजरते हैं जैसे कि 18 लम्हे भी आपको नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी जल्दी से गुजरते हैं, लेकिन इसको पूरी तवज्जो के साथ सुने, वो जो साउंड है वो आपके अंदर एक करंट पैदा करता है, और वो जो पानी है सामने रखा हुआ, उसकी बरकत, उस साउंड की बरकत उस पानी के अंदर जा रही है। और पानी जो है वो इतना रखें जो कि आपके 3 मुसलसल घूंट आ जाए, क्योंकि मेरा अपना मानना ये कि अगर पानी बच जाएगा तो उसने कलाम अल्लाह का सुना हुआ है, वो बरकत वाला पानी होगा, उसको आप यूँ करके फेंक नहीं सकते, उसको आपको रखना है, या फिर अगला पानी उसी के अंदर शामिल करें। 3 घूंट जितना पानी लें, सूरह रहमान सुने, और अल्लाह 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 कहें, और एक घूंट पी लें। इस पर या अल्लाह का लफ्ज़ आमतौर पर लोग पूछते हैं कि नहीं कहना, वो नहीं इसलिए नहीं कहना कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप अपने और अल्लाह के दरमियान में दूरी ना करें, ऐ अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह ये कुर्बत है, ये मोहब्बत है, ऐसे ही डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोहब्बत के बगैर, मोहब्बत के करीनों के बगैर तासीर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्यार से पुकारने जिस तरह माँ को पुकारते, तकब्बुर के साथ तासीर नहीं होगी। तकब्बुर तो ऑब्वियसली वो आजिज़ होना पड़ेगा ना, फंसे हुए आप, इसीलिए आपको ये तो बेसिकली बीमारी भी असल में अल्लाह मियाँ का एक प्लास है, एक रेंच है जिससे उसने आपको पकड़ा गया, इधर आगे इधर जा रहा है क्या, तो अगर आप उसके आगे पेश हो जो उसका प्यार है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कितने अरसे से कर रहे हैं ये? मुझे 21 साल तो हो गए अब इस काम को कर। नाकामी देखी है इसमें कभी? जी, इसमें कई पेशेंट नहीं ठीक होते, और उसमें कई लोग नेक ज्यादातर नहीं ठीक होते, गुनाहगार बहुत जल्द ठीक होते। ओए होए होए, ये मेरे रिजल्ट में आया, मैं कई बार थोड़ा सा खोलिएगा, नेक ठीक नहीं होते, नेक पे टाइम लग जाता है, या कई बार नहीं ठीक होते। हाँ। तो अगर उन्हें मैं कहता हूँ कि चलें आजी से आप सबको माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दूँ, बदले का हुक्म है, मैं कह चलें आप बदला ले लें, ठीक है, और वो बदला लेते हुए जालिम हो गए होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि एक थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ मारना था। ये जो आपने कहा है ना नेक, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जी सर, जितने अंबिया आए हैं ना वो गुनाहगारों के लिए आए हैं, नेकों के लिए कोई नहीं आया।